भिलाई सुपर लीग का भव्य आयोजन हुडको में नवनिर्मित स्टेडियम में किया गया। भिलाई सुपर लीग के तीसरे सीजन में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया व क्रिकेट खेल में अपना जौहर दिखाया। हुडको के नवनिर्मित स्टेडियम में 3 दिनों तक चले इस सुपर लीग के समापन अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बताना चाहेंगे, इमाम खान जो कि सुपर लीग के आयोजक हैं, उन्होंने खेल व खेल को बढ़ावा देना ही इस भिलाई सुपर लीग का मकसद बताया। समापन अवसर पर फाइनल में विजयी रही टीम व रनर अप टीम को पुरस्कृत भी किया गया। नगद राशि व मेडल साथ ही शील्ड देकर यहां पर विजय टीम व रनर अप टीम को सम्मानित किया गया। एक अच्छा प्रदर्शन आरएसएस स्पोर्टिंग टीम का। निश्चित तौर पर इस खेल में जो मजा आया है आरएसएस स्पोर्टिंग की तरफ से, और आज इन्हें मैं बाजीगर का खिताब देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रदर्शन जो इस रोमांचक मुकाबले को तालियां बजनी चाहिए भैया के लिए। भैया यहाँ पर अपना कीमती समय जो दिए हैं, अभी मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ कंपनसेशन प्लान हो, उसके बाद फिर आगे करेंगे। एक क्रिकेट मैच रख लो, कल परसों में जब भी हम आएंगे आपके साथ खेलने, कहीं पे भी रख लो, आपकी टीम के साथ यहीं पे खेलेंगे, यहीं पे। अच्छा दीदी लोग भी बोल रहे हैं, हाँ तो चलो ये इन लोगों के साथ खेलेंगे। अभी ये लोग भी बहुत मेहनत किए, मैं लेट भी हो गया, तो जब बोलोगे कल कर, कल करो, कल कर लो, परसों कर लो, लाइट तो चली रही है, क्या दिक्कत है। चलिए आइए पहले प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके बाद इसको भी प्लान करते हैं। जी कि मैं बहुत ज्यादा लेट पहुंचा हूं, कितनी देर पहले पहुंचा हूं भाई, मैं इमाम से माफी चाहता हूं सबसे ज्यादा। बहुत मेहनत की पूरी टीम ने और मुझे आने में देर हो गई। अब आप समझ सकते हैं 4 सेक्टर लगी है, इलेक्शन चालू हो गए, तो उसके कारण कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण मुझे देर हो गई भाई, माफी छोटे भाई। और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत मेहनती है, और मैं क्या बोलूं, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस सफल आयोजन के लिए आयोजक रहे इमाम खान की प्रशंसा की। भिलाई सुपर लीग के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा इमाम जी को और सारी टीम को। युवाओं ने मिलकर खेल को प्रोत्साहन करने के लिए इस मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। भिलाई और दुर्ग जिले की बहुत सारी टीम्स आई, निश्चित रूप से एक्टिविटी होती है तो यंग जनरेशन जो है उसको भी देखने मिलता है, छोटे बच्चों को भी देखने मिलता है और अनुभव करने मिलता है। खेल और सारी चीज़ें जीवन का अनुभव है, जिसमें जीत और हार को एक्सेप्ट करना और उसको एक्सेप्ट करके आने वाले समय के लिए तैयार होना, यही सबसे बड़ी बात है। तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं दूंगा, बहुत अच्छा आयोजन। मैं देखिए, ऐसा है कि मैं भिलाई की पूरे ही जनता का, मैं जितना कहूँ उतना कम है, सब परिवार जैसा मानते हैं और हम लोगों के बीच में एक रिश्ते हैं, अपनापन है। और जैसे ये मैदान है, मैदान बना, मुझे बेहद खुशी है। उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब यहाँ पर हम लोग जो हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, मतलब अबव 40 का टूर्नामेंट यहाँ पे कराएंगे हम लोग, तब खूब मज़ा आएगा जब जो हमारे सीनियर लोग हैं वो यहाँ पर खेलेंगे, इसका लाभ लेंगे। और निश्चित रूप से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसको बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को उसका लाभ मिलता है, अंधेरा ख़त्म होता है। और भिलाई में हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं, खूब सारे करने हैं। और बहरहाल सभी टीमों ने इस लीग में काफ़ी उत्साह होकर खेल खेला। इस दौरान ग्राउंड में दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।